subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys? YPM Vlogs back here and guys, welcome back to another daily vlog. और सुबह उठते ही मैं चलाता हूँ इस वाटरफॉल को, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है ना, मेरे को लगती है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग सी, इसलिए सुबह एज इन की मैं सुबह सोता हूँ 7 बजे, उठता हूँ शाम को 4 बजे, वैसे अभी 5 बजे ने, तो आज का जो व्लॉग है मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट, बिकॉज एज इन की मेरी तो सुबह ही है ना, बिकॉज ब्रेकफास्ट वगैरह सब मैं यूजली इसी समय करता हूँ, तो मेरी तो सुबह ही है। और इसको मैं सीधा भरता हूँ और इसका जो पानी है मैं चला देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बताइए बढ़िया। और आज के दिन में मेरे को ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बिकॉज सारे इतने भी कार्य काम थे मैंने कल खत्म कर दिए थे अपने, एंड मेरा था कि आज मैं बिल्कुल रहूँगा पूरा दिन फ्री, तो जो भी करूँगा आपको दिखाता हूँ आज, और करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। वेल, सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर। अगर बात करूँ रूम की, तो रूम में एको हो गई है बहुत ज़्यादा कम पहले से, और जो एकोस्टिक फोम है उसने अपना कमाल दिखा दिया है, बिकॉज इसका काम होता है जो है साउंड प्रूफिंग करना और एको को बिल्कुल कम कर देना। और ये मैंने ली थी 1 inch वाली एकोस्टिक फोम, बहुत ज़्यादा अच्छी काम कर गई हैं ये, इधर भी अच्छी काम कर रही है। अभी बस डोर को मैंने करना, बिकॉज जो डोर है वो बहुत ज़्यादा पतला है, और इसके लिए मेरे पास मेरी थोड़ी सी ही एकोस्टिक फोम बची थी, इसलिए मैंने सोचा कि और मंगवा लेंगे और डोर पे कुछ अलग सा कलर करते हैं। और मेरा मन है कि ये जो पूरी पीछे की वॉल है इसको भी पूरा एकोस्टिक फोम लगा देते हैं, बट मेरे को ना लग रहा है कि अगर ये लगवानी थी तो पापा मेरे को बोल रहे थे कि तुमने जो शीट्स हैं ऑरेंज वाइट कलर की, तुमने ये क्यों लगवाई, ये तो नॉर्मल से वाइट कलर की लगवा लेते। तो मेरा भी ये कर रहा है मन कि भाई ये लगी रहे तो, बिकॉज ये लुक्स में बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज इससे ना गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा रूम के अंदर, और गर्मी में तो फील भी हो रही है, बिकॉज फिर क्या रहेगा कि मेरे को एसी पूरा दिन चलाना ही पड़ेगा, अगर मेरे को उसमें बैठना नहीं तो गर्मी उसमें हो जाएगी बहुत बहुत ज़्यादा, बट एको में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। अभी हो चुका टाइम मेरे ब्रेकफास्ट खाने का, वैसे अभी तो यूजुअली लोग इस समय डिनर करते हैं, बट मेरा ब्रेकफास्ट है। अंकल कैप्सी क्यों लिमका पियोगे? नहीं लिमका पियेंगे, लिमका पिलाते हैं। फिर अंकल जी अभी साइकिल के दुबई गए थे ना? अच्छा, तो वहाँ से लाए थे पकलावा। अच्छा, मैं तो देखो अंकल अच्छे से खा चुका हूँ, आप खाओगे? वो होते टर्की स्वीट है, बहुत टेस्टी होती है, यम्मी होती है। लो अंकल, ओके ट्राई करो ये अंकल, मेरी फेवरेट स्वीट है, दुबई मॉल जैसे जाता हूँ ना हमेशा। अच्छा, दुबई मॉल जाते ही ये मेरे सबसे पहला शॉप होता है, यहाँ तो जाना ही जाना है। साहिल भैया कैसे हो? नमस्कार। अच्छा साहिल भैया, देख लो मैं 2 पीस खाया। अच्छा, 2 टुकड़े। एंड भाई, बाय द वे ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ये कोल्ड कॉफ़ी मशरूम पैटी साथ में ये बकलावा, मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा यम्मी। मुझे पता है कि आजकल आप लोगों को मैं बकलावा बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ ब्लॉग्स के अंदर, बट यार आपको दिखाता हूँ मैं पूरा लाइफ स्टाइल की कैसे अपना पूरा मैं देखो गुजारता हूँ, तो इसमें सब कुछ दिखाना तो बनता ही है। एंड मेरे को हमेशा मेरी मम्मी चीज़ समझाती है कि भाई अगर आपके होंगे 100 लोग तो उनमें से 10 लोग तो हमेशा आपके हेटर्स होंगे ही होंगे, और वो हेटर्स आके मेरी कमेंट करते हैं, पता क्या कमेंट करते हैं कि तू कुछ यूनिक नहीं कर रहा, तू ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मतलब सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो भाई आपका जो होता है ना प्रीशियस टाइम हेटर्स, वो आप उसको आगे फीसा वेस्ट करते हो, मैं आपके जो कमेंट्स उनको उनको तो कर दूंगा डिलीट, आप सीधा कमेंट करते रहोगे, मैं उनको कमेंट डिलीट करता रहूंगा, तो आपका जो टाइम है वो उससे वेस्ट हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा भाई आप भी मेरे को कमेंट करते हो हमेशा मेरी वीडियोज़ के ऊपर कि हम भी कर सकते हैं डेली ब्लॉग्स, तो भाई अपना चैनल खोल लो, मना किसने करा, उस पर ब्लॉग्स डाल लो। अगर आप लोगों ने कल का ब्लॉग मिस कर दिया तो भाई जल्दी से आकर देख लेना उस पर ब्लॉग को, बिकॉज उसमें क्या हुआ था कि सब्सक्राइबर को हमने पिक किया था और घुमाया था आरेट के अंदर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था भाई खैर घूमने में, तो इसलिए हैवंट वॉच दैट ब्लॉग, जल्दी से बोल देना ब्लॉग देख लेना। और बाय द वे किसी ने अपनी आरेट के रैप पे चाबी चला दी है, जिसकी वजह से अगर आप देख पाओ तो ये जो ऊपर की है ना लेमिनेशन, ये ऊपर की उतर गई है। बट मेरे को चीज़ समझ नहीं आती कि अगर लोगों को खुंदा गया तो भाई हम पे आके बात कर लो यार, हमसे डायरेक्टली मिलो, गाड़ी पे गुस्सा उतार रहे हो ना यार, वो अगर देखो साफ सीधी बात है कि अगर गाड़ी कहीं खड़ी आसपास तो मैं भी आसपास ही हूँ, तो आसपास आके मिल लो भाई एक बार, दिक्कत होता है एक बार आके मिल लो। और भाई अगर आप गाड़ी से मुझे ले रहे हो तो भाई जो भी आप कर रहे हो कभी ना कभी आपके ऊपर ज़रूर आएगा ही आएगा, बिकॉज वॉट यू गिव इज़ वॉट यू रिसीव। हाँ अंकल, क्या लिया आज? आज लिया भैया तोरी, अच्छा लौका और भिंडी आलू। ओके, 10 किलो हो गया ना? हाँ दे दीजिए, ये मैं पकड़ लेता हूँ। वीक में तो एक बार या मैं 2 बार जाता हूँ ब्लाइंड स्कूल, फिर मैं देता हूँ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेता हूँ, तो इस बार पूरा मैंने ले लिया है और अब चलते हैं यहाँ से ब्लाइंड स्कूल। हाँ यार, ये है वेलफेयर एसोसिएशन ब्लाइंड स्कूल का। यार अंकल, मैंने पढ़ा था एक कमेंट कि तुमने अंकल को हेलमेट दिया और फिर वापस ले लिया। क्या
ये काम तो करा नहीं आज तक, जो चीज आपको देते हैं तो अभी मतलब जो चीज दिखती नहीं कुछ भी बोलोगे। एक मेरे को कमेंट आया था कि मेरा जो था ना हेलमेट बैटमैन वाला मैं दिखा था तुमने उसको ना मैंने बेच दिया। तो भाई ऐसी बात नहीं है, अब ये अंकल का हेलमेट और अंकल अब घर जा रहे हैं, इसमें क्या है ओके इसकी जरूरत पड़ती है। चलो ओके बाय बाय। और मम्मा कैसे हो? वाटर मेलन खाओगे? नहीं मम्मा। आज क्या खाने बताओ तो बताओ। आज मैं बिट्टू की टिक्की वो मंगवाऊं? नहीं पापा और मैं ले आए। और अभी क्या मंगवाना क्या है फिर? अभी वनीला एंड मम्मा का ना रोज का होता है रात को ना मेरे को हमेशा पहले बोलते कि मैं रोज खाने का मन तो नहीं कि मैं मंगवा दूँ, मैं बोले कि चल कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ। और मैं मेरी बात सुनो, आज मैं ना आपको ये बात बता रहा था कि आप जो मेरे को पहले बताते थे कि 100 बंदे करोगे तो 10 में से हेटर्स होंगे जो कि आपकी वीडियो में से कमेंट करते हैं और वो फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, प्रेशियस टाइम वेस्ट करते हैं और कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे और वो हम कमेंट्स रीड कर देते हैं। तो बेटे वो सबके साथ ही है, इट इज एवरीवेयर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो प्रेशियस टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं अपना कहीं और टाइम वो लगा लें जो इतना कमेंट्स हेट कमेंट करते हैं कर रहे हैं हेट करने में, उसको लाइक करने में कर लो। लाइफ इज सो वेरी शॉर्ट, so enjoy every moment of it. इसलिए अम्मा को भी खानी है वनीला आइसक्रीम के साथ ब्राउनी। राइट, ये लो अम्मा आपकी ब्राउनी। थैंक यू। तो गाइस दिल्ली में ना भी हुए हैं रिसेंटली ओपन सिनेमा हॉल्स, तो मेरा मन करा कि चलो जरा चलते हैं सिनेमा हॉल में, बिकॉज लास्ट टाइम मैं आई थिंक मार्च या अप्रैल में गया था, उसके बाद से अभी तक सिनेमा हॉल दोबारा हो गए थे बंद बिकॉज अगली सेकंड वेव कोविड की। तो अभी जस्ट रिसेंटली एक हफ्ते पहले ही ओपन हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज जरा चलते हैं मूवी देखकर आते हैं बेल बॉटम। मेरे को चिराग भैया ने कहा था कि बहुत अच्छी मूवी है तो इसलिए भी जा रहा हूँ। पैसिफिक मॉल शो है मेरा 10:55 का, अभी हो चुका टाइम 10:30। हियर आई एम इन द पैसिफिक मॉल, पहले पहुँच गया अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे वैसे यूजली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पूरा मॉल अभी हो चुका है बंद क्योंकि टाइमिंग है यहाँ पे बंद होने का 9, मेरे को जाना है अभी वहाँ पे PVR एंड जो मेरा ऑडी नंबर है वो है 5 एंड फिर होगी मूवी 10:55 पे, तो एंट्री शुरू हो जाएगी 10:50 पे। पूरा अभी ऑडी खाली है, मेरी सीट वो है लास्ट की J20 पूरा खाली है अभी। इससे पहले भी एक बार मेरे हाथ हुआ है कि पूरा जो सिनेमा हॉल था वो खाली था, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 बंदे आ गए थे बट इतना लेट नाइट शो नहीं था वो। ऐसा लग रहा है ऐसे मैंने पूरा सिनेमा हॉल बुक कर लिया अपने लिए। चलो अब जरा वेट करता हूँ कब पता नहीं स्टार्ट होगी, और इसका जो रनिंग टाइम है वो है 129 मिनट्स, तो 2 घंटे लगा लो आप। तो वो भी मैंने लिए हैं अपने लिए पॉपकॉर्न, इंटरवल हो गया था, साथ में एक पेप्सी लिया लार्ज। तो यार मूवी देख के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड बहुत दिनों बाद ऐसे मूवी देखने निकला था। बेल बॉटम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यू गाइस कैन ऑल्सो गो एंड वॉच बेल बॉटम एंड मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ अपने हरे अपडेट्स एंड ऑल की मैं कहाँ घूम रहा हूँ लाइफ में एक्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको पता लगता रहेगा कि मैं एक्जैक्टली क्या करता रहता हूँ लाइफ में। एंड सब्सक्राइब करो तो भाई वाइप भी ब्लॉग से क्लिक करने बेल आइकन को, खत्म करता हूँ ब्लॉग को यहीं पे। डैट सेट बाय एंड स्टे सेफ।